इसमें हम आज बातचीत करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी जीएस पेपर फर्स्ट का। आज हम देखने वाले हैं यानी कि जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं सीएससी 2024 का। और इसमें हम बातचीत करेंगे कि सीएससी 2024 में मेंस का जो पेपर हो रहा है इसमें जीएस पेपर वन का क्वेश्चन कैसा था, कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था और क्या ये क्रैक डाउन हो सकता था या नहीं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। वेलकम टू अनस्टेबल, आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो 250 नंबर के आपके पेपर वन होता है, 3 घंटे आपको टाइम दिए जाते हैं और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न पेपर छपे हुए रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं तो होते हैं 20 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली देखो तो काफ़ी कम टाइम बचता है, ठीक है। और इतने देर में आपको टोटल आप देखो तो 20 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, ठीक है। और 1 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको 150 शब्दों में लिखना होता है और 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होता है उसको 250 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पे दो तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि पहला जो आपका प्रश्न खंड होता है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 150 शब्दों में और 11 से लेकर 20 तक आपको 250 शब्दों में देना पड़ता है। कुछ बेसिक सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, वो क्या है कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 20 क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन छोड़ दो, कंपलसरी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 10 250 वर्ड में और 11 to 20 250 वर्ड में, 150 वर्ड में और 250 वर्ड में देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप किसी भी पेज को यहाँ पे देखो, एनी पेज और पोर्शन ऑफ पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्टक ऑफ। कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे देखो काट दीजिए, यानी कि अगर कोई पेज अगर आपका मान लो कि ब्लैंक पेज है और छूट रहा है तो उसको आपको कट कर देना होता है, ठीक है, कि आपने उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। चलिए गाइस यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर देखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तो हिस्ट्री का है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का है और क्वेश्चन नंबर थ्री देखो तो ये भी आपका हिस्ट्री का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। यहाँ पे देखो तो पहला क्वेश्चन आपका एंशियंट का आ गया, दूसरा आपका आर्ट एंड कल्चर का आ गया, ठीक है ना। और या ये भी कह सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर में भी आप एंशियंट टाइम के आर्ट एंड कल्चर का आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप देखोगे तो भारत छोड़ो आंदोलन ये मॉडर्न का आ गया, ठीक है। फिर आपके पास ये इसके बाद आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। देन आप यहाँ पे देखो तो फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंगिक समानता वगैरह ये सब देखोगे तो ये आपका ये भी आपका ज्योग्राफी वगैरह का क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो तो ये आपका अंतर जातीय विवाह यानी कि यहाँ पे जो एक आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है समाज, ठीक है ना, सोसाइटी, समाज यानी कि सोसाइटी से क्वेश्चन आ गया है, सोसाइटी से ये वाला क्वेश्चन है। और ये वाला भी आपका लैंगिक समानता, ये भी आपका सोसाइटी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि 3 क्वेश्चन 1 to 3 क्वेश्चन ये आपका हिस्ट्री से है और 3 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा सोसाइटी से, ये आपका सोसाइटी वाला क्वेश्चन आ गया, अंतर जातीय विवाह से है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन गैर सरकारी संगठन निजी संगठन के बीच में किस तरीके से कार्य करता है आर्थिक मुद्दों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो जीएस पेपर थ्री का थोड़ा सा आपको टच दिखेगा, बट ये जीएस पेपर थ्री है नहीं, ठीक है ना। बट ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे तो जीएस पेपर थ्री का आपको टच मिल जाएगा पेपर वन में भी। उसके बाद आप देखो तो चोला वगैरह आ गया, अगेन आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखोगे तो ये भी आपका वर्ल्ड, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, गंगा घाटी, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो असमानता विविधता किस प्रकार की क्षेत्रीय असमानता, ये कहीं ना कहीं आपका ज्योग्राफी का भी इसमें आपको टच देना पड़ेगा, सोसाइटी का भी टच देना पड़ेगा, हिस्ट्री का भी टच देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है, संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई द्वारा पूरी लाभ, और यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात कर रहा थी, पॉलिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। उसके बाद आप देखोगे तो फिर से सोसाइटी का क्वेश्चन है, फिर से आपका सोसाइटी से क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इतने सारे क्वेश्चन सोसाइटी। अब यहाँ पे देखो तो बेसिक सी मैं बात करो तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसका जियोग्राफी से है, देन सोसाइटी से है, थोड़ा सा टच आपका जीएस पेपर थ्री से दे दिया गया है, ठीक है ना, इकोनॉमिक वाले पार्ट से, फिर उसके बाद आपका जीएस पेपर सेकेंड से थोड़ा सा दे दिया गया है पॉलिटी वाले पार्ट से, तो ये थोड़ा थोड़ा सा टच मिलेगा आपको दोनों में। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन किस तरीके का आया है, क्वेश्चन क्या है, तब क्वेश्चंस को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडरलाइन द चेंज इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक फ्रॉम द ऋग वैदिक ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना, कह रहा है कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करने की बातचीत कर रहा है। अब यहाँ पे ऋग वैदिक काल या वैदिक पीरियड का देखो और पोस्ट वैदिक पीरियड का देखो तो किस तरीके से इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत किया गया है। देन उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर पे बातचीत कर रहा है, कहा जा रहा है कि एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवाज, यानी कि जो पल्लवाज थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कांची के पल्लवाज का योगदान का मूल्यांकन करना है कला और साहित्य में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर है कि वो कौन सी घटना थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे होंगे। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यानी कि व्हाट इज द सी सर्फेस टेम्परेचर राइज, देन उसके बाद कह रहा है या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है, हाउ डज द इफेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये है देखो, पहली बात तो ये है, इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, एक है आपका कि सरफेस टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, दूसरा ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके ऊपर बातचीत चल रहा है। क्योंकि आप देखोगे पिछले साल 2023 और 24 में देखोगे तो बहुत सारे वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे जगह रहे जहाँ पे साइक्लोन आया है और उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहा है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करता है। अब जाहिर सी बात है भैया, क्यों आकर्षित करता है बड़े शहर, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्सपेंशन करने का सुविधा बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ पे एजुकेशन का जो फैसिलिटी है वो काफ़ी तगड़ा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कह रहा है वाई द लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट द मोर माइग्रेंट देन स्मॉलर टाउन्स, ठीक है ना, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, कह रहा है विकासशील देशों की स्थिति के आलोक में इसकी विवेचना करना है। देखो विकासशील कह रहा है, डेवलपिंग कंट्री एक होता है आपका अंडर डेवलप लिस्ट या कह सकते हो लिस्ट डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि आप अगर बातचीत करो कि कोई दो सिटी ले लो, जैसे कि पटना ले लो, तो पटना अपने आप में एंशियंट टाइम में देखोगे तो बहुत बड़ा सिटी है, बट पटना का आप कंपेयर करो दिल्ली से तो आपको दिखेगा कि इसमें बड़ा सिटी कौन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आप कोई जैसे कि आप कोई छोटा सा सिटी, जैसे कि आप इस चंपारण ले लो, इस चंपारण जैसे कि आप बापू जहाँ आए हुए थे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, अब इसमें और पटना में कंपेयर करोगे तो जाहिर सी बात है पटना आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो अब यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा किस एस्पेक्ट में आप लिख रहे हो, कौन से बड़े शहर की बात कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि किया गया है कि भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी से ही आपको कंपेयर करना है। बट एक बात तो जाहिर सी बात है कि छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप छठा नंबर क्वेश्चन देखोगे तो बादल फटने की परिघटना क्या है, तो यहाँ पे क्लाउड बस्ट से क्वेश्चन आया है और इसको कहा जा रहा है कि इसको एक्सप्लेन करना है 150 शब्दों में करना है। फिर यहाँ पे डेमोग्राफिक विंटर के बारे में बातचीत किया जा रहा है, जनांकीय शीत के बारे में बातचीत किया जा रहा है, विंटर के बारे में बातचीत किया जा रहा है, किसकी क्या अवधारणा है, यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से समझाइए। अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि भैया डेमोग्राफिक विंटर है क्या, ठीक है, अब ये यही चीज़ से आपका आंसर कंप्लीट बनेगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखो तो कहा जा रहा है लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है और कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकार को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है, अब ये कह रहा है। देखो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हो रहा है, फिर उस जेंडर इक्विटी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे एक तरफ है इक्वालिटी, एक तरफ है इक्विटी, ठीक है ना। अब आपको देखना पड़ेगा कि इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटीज, गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या अंतर है, और हमारा संविधान किस इन दोनों में से किसको ज़्यादा वेटेज देता है, इक्विटी को या इक्वालिटी को, ठीक है, इसके बारे में बताना आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच में अंतरजातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन द कास्ट विच हैव द सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी। अब यहाँ पे कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, अगर आपके पास इकोनॉमिकली तौर से आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हो सकते हो, आपके अंदर अगर डिसीजन मेकिंग की पावर है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके आप देख सकते हो कि अंतरजातीय विवाह को ये बढ़ा सकता है। जिसके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी या इकोनॉमिक रूप से इकोनॉमिकली रूप से डिसीजन नहीं ले सकता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में दबा कुचला से महसूस करेगा, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। फिर कहा जा रहा है किंतु अंतरधार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, दो चीज़ों को यहाँ पे मिक्सअप किया गया है। एक है आपका इंटर मैरिज, ठीक है ना, बिटवीन द कास्ट, कास्ट के बीच में, और दूसरा ये है लेस टू द इंटर रिलीजियस मैरिज। अब इंटर रिलीजियस मैरिज में आप कोई हिंदू है, ठीक है ना भाई, देखो ये जो शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ डिस्क्लेमर ऑल ऑन है, ओनली ये हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज से, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हिंदू हो गया, मुहम्मदन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, तो ये सब देखो तो अलग रिलीजन है, अंतर धार्मिक है, यानी कि अलग अलग धर्म है। अभी कहा जा रहा है कि इन धर्मों में कम दिखते हैं, जैसे कि हिंदू है तो हिंदू में भी देखोगे तो बहुत सारे हिंदू आ जाते हैं, बहुत सारे कास्ट वगैरह आ जाते हैं, तो ये तो अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, हिंदू हिंदू शादी कर लिया, भले जात अलग है कास्ट अलग है, बट एज ए धर्म, धर्म के अकॉर्डिंग आप कैसे चीज़ों को देखते हो और यहाँ पे कैसे कम दिखता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो 150 शब्दों में लिखना है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकास के आर्थिक सामाजिक आर्थिक मुद्दे से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के बीच में किस प्रकार का, देखो यहाँ पे पीपीटी मॉडल आ गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि यहाँ पे सरकार आ गया, निजी गैर सरकारी संगठन और निजी संगठन के बारे में, एनजीओ वगैरह के बारे में यहाँ पे कोटेशन करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन से देखोगे तो यहाँ पे 250 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 250 नंबर का, माफ करना 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। अगेन देखो तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से आ जाता है क्वेश्चन, तो आप देखोगे तो दो क्वेश्चन अभी तक आपको आर्ट एंड कल्चर के दिखे होंगे। एक कह रहा है कि हालांकि महान चोला शासक अभी मौजूद नहीं है, ठीक है बात तो सही है भैया मौजूद नहीं, लेकिन उनकी कला और वस्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है, टिप्पणी करना है। अब देखो, अब मैं कभी एक नया वीडियो लाऊंगा जहां मैं बताऊंगा कि भाई कहीं पे टिप्पणी करने के लिए बोल दिया, कमेंट करो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कहीं पे आपको कहा जा रहा है कि भाई इसको डिस्कस करो विवेचना करो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप रिएक्ट करोगे। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई इलिब्रेट करो, तो यहाँ पे इलिब्रेट कैसे करोगे, फिर कहा जा रहा है एक्सप्लेन करो, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, या इंस्टीट्यूशन है, यूपीएससी है, तो वो हर जगह एक्सप्लेन लिख देता है, इलिब्रेट लिख देता है, भाई अलग अलग यहाँ पे क्यों लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके मायने अलग हो जाते हैं, क्वेश्चंस पढ़ने के तरीके अलग हो जाते हैं, उसको लिखने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे दो पोलर पावर यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होने शुरू हो गए थे वर्ल्ड मैप पे देखोगे, एक था आपका आप यहाँ पे देखोगे तो मित्र राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था, तो आप ये देखना पड़ेगा कि भाई मित्र राष्ट्र कौन थे, धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, और किस तरीके से पावर का इमर्ज हो रहे थे, किस तरीके से पावर इमर्ज हो रहे थे, और कैसे सब अपने एरियाज को एक्सपेंशन करना चाहते थे, विश्व मानचित्र पे वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे तो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहे हैं भारत में जो हस्तशिल्प था और कुटीर उद्योग था उसका हास्य के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी है। अब जाहिर सी बात है भाई, इसको आपको तो बहुत अच्छे से लिखना होगा, अगर जो हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखेगा, और 150-250 शब्द दिखाओ तो 500 शब्द में भी इसको लिख सकता है, बट इसको काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि और स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, सभी लिख सकते हैं, बट ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बहुत अच्छा नंबर इस क्वेश्चन से उठा सकते हो। इसमें आपको हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के बारे में कहना होगा कि हाँ भाई यहाँ से रॉ मटेरियल्स वगैरह जाते थे और यहाँ से फिनिश्ड गुड हमारे इंडिया में आते थे, यानी कि कच्चा माल जाता था और वही माल बन करके भारत पहुँच जाता था मशीनों में। यहाँ पे हस्तशिल्प कुटीर उद्योग है, हाथों से बना रहे हो, हथकरघे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ की चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती थी, और जो मशीन से बन के आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जा रही थी। दूसरी बात यहाँ है कि जो हस्तशिल्प है या कुटीर उद्योग है वो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा जितना नीड हो,
और यहीं पे औद्योगिक अगर क्रांति होता है मशीनों के द्वारा बन रहा है, तो इसके पास भाई एक मिनट में ये बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकता है, घंटे में बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोट करने पड़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखो तो कहा जा रहा है गंगा घाटी के भूजल क्षमता में गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है यार, कोई भी अगर एरिया है जहाँ पे गंगा घाटी है, क्या अगर वाटर की एबिलिटी अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ खाद असुरक्षा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। और हमारे यहाँ ही नहीं, पूरी वैश्विक स्तर पे ये चीज़ें देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी देखोगे तो मानसून का जिस तरीके से पैटर्न बदला है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आयोग के द्वारा। इसको कहते हैं कि भैया ये गिफ्ट है आपके लिए। गिफ्ट कैसे है, क्योंकि अरोरा बोरियालिस या ऑस्ट्रेलिस के बारे में लोग इसको मैक्सिमम टाइम यही इसको बड़े हल्के में लेते हैं कि हाँ यार क्या ही यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ गया ना, देख लो आप पोलर से यहाँ पे अरोरास वगैरह के बारे में आपको सब कुछ देखना पड़ेगा यार। उसके बाद यहाँ पे है ट्विस्टर क्या है, ट्विस्टर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे गए हैं। अब जाहिर सी बात है, अब ट्विस्टर के बारे में क्या आपने पढ़ा है, ठीक है, अब ये आपको देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यार ये ट्विस्टर किधर से आ रहा है, किधर से ये ट्विस्टर आ रहा है। ज्योग्राफी वाला पार्ट है बट आपको देखना पड़ेगा। देन उसके बाद आप 17 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो क्षेत्रीय असमानता क्या है और यह विविधता के किस प्रकार भिन्न है। भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है भाई, ये तगड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो समानता और सामाजिक न्याय की व्याख्या नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। अब इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। वही बात आ गया भाई, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर द इक्विटी है। इक्विटी मैंने अभी जस्ट पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब देखो इक्विटी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला भाई, इक्विटी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो तो ग्लोबलाइजेशन हैज द इंक्रीज द अर्बन माइग्रेशन। अब देखो यही वाली बात आ गया। अब ये क्वेश्चन देखोगे तो अभी मैंने पूछा था कि छोटे शहरों से, अभी आयोग ने पूछा कि छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। अब कह रहे हैं कि वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा और अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज द अर्बन माइग्रेशन बाय द स्किल्ड यंग और अनमैरिड वुमेन्स। यहाँ पे देखो पार्टिकुलर चीजों का नाम दे दिया, अनमैरिड वुमेन्स फ्रॉम द वेरियस क्लासेस। हाउ हैज दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन देयर द पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिलीज। इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। और लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपसे पूछा जा रहा है, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांताओं के बीच में क्या गहरा संबंध है। अब ये क्वेश्चन से तो गाइज देखो, क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देखोगे तो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन ड्यूरेबल है। हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है ये 100% हो जाने वाला है, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखो तो कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज वगैरह है जिसकी वजह से ये 90% क्वेश्चन इससे कर पाओगे, 10% के आसपास आपको क्वेश्चन इधर छूटेंगे। एंड आपका पॉलिटिक का कुछ टच दिया गया है, कुछ आपका इकोनॉमिक वाला टच दिया गया है, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि इजी लेवल का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखेगा और हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन देखेगा। और अच्छी बात ये है कि जीएस पेपर में क्या होता है ना, कि जीएस पेपर में आपका जर्नल मार्किंग होता है, जर्नल मार्किंग होता है। मैंने अभी तक आप देखो तकरीबन आप देखो तो मैंने बहुत सारे मार्क्सशीट देखे हैं और मैंने अपने चैनल पर भी डाला है। यहाँ पे देखो तो मैंने देखा है जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, ठीक है ना, 3 हो और 4 हो। यहाँ पे जर्नल मार्किंग किया जाता है, जिस पर 1 में आपका जर्नल मार्किंग होता है 80 से लेकर के 110 के बीच में, 110 के बीच में या 90 से 110 के बीच में इसका जर्नल मार्किंग होता है। आप टॉपर हो या आप फेल हो, आपका इतना नंबर आ ही जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें जिस पेपर का एग्जाम देकर के कोई भी बंदा आता है उससे या पूछो कैसा गया है, वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि मेरा बहुत खराब गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब कि ये वन लाइनर नहीं है भाई, यहाँ पे लिखने वाला है। हर व्यक्ति का अप्रोसेस अलग होगा, हर व्यक्ति का एक्सप्लेन करने का अप्रोच अलग होगा, क्रिटिकली एनालिसिस करने का अप्रोच अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वैरी करता है, लेकिन इसमें जर्नल मार्किंग होता है, ठीक है। गाइस ये वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड ये सीरीज़ क्या आगे और बढ़ाया जाए और एक्सप्लेनेशन को और आगे बढ़ाया जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।